¿Entendieron? ये तो ज्यादा ही कड़क हो गया है सर। अपने आप ही या कहीं गिरी हो? नहीं अपने आप हुआ सर, पहले ये वाला हाथ था तो ये उठ गया। राइट वाला? हाँ जी, ये बहुत ज्यादा हो गया था इसके लिए, तो फिर भी मैं करती रहती हूँ। बिना छोड़ दो ठीक है, अर्थात टच नहीं करोगी तुम, चाहे जो मर्जी हो जाए ठीक है। और आपको दर्द इतना होता है इसमें? बहुत ज्यादा। पलट नहीं पाती हूँ, जैसे इस तरफ सो ऐसी सो जाती हूँ, इसी तरफ सोती हूँ, इस तरफ कभी सो गई और नींद आ गई थोड़ी देर रह गई तो उसके बाद तो पलटना मुश्किल, आदमी के ऊपर नहीं कर पाता एकदम जाम। मूवमेंट है ना बिल्कुल खत्म हो गई। ये टच करती दादा ना, और खासकर इस पॉइंट पर बहुत होगा, ये पॉइंट है और ये ये सारा हुआ ये और यहाँ पे, और ये देखो ये इसके बीच में ये भी है ना, ऐसे करो बहुत हल्का एकदम टच करना है बिल्कुल। आप छोड़ दो दर्द हुआ? दिखाओ दिखाओ मुझे भी करो बस लाओ, खट्टा खाती हो? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा और मुझे ये बताओ आप रात को इस हाथ को सर के नीचे रख के सोती हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं। और ठंडा पानी गर्मियों में पियोगी? छोड़ दो, हल्का सा अपने आप कर लो, छोड़ दो छोड़ दो, नहीं इसको ऐसे कर मैं दिला छोड़ दूँ, कुछ करो मत, ऐसे करने में दर्द नहीं है बस। मतलब हम कितना भी हल्का टच कर लें तब भी दर्द है? एक्सरसाइज कर रही हो उसकी? हाँ अच्छा करते हैं, बस घूमता ही नहीं है तो दीवार वाला करती हूँ दीवार में। अच्छा और कितने साल से अभी ऐसे? ये 5-6 महीने से सर। तो उसको 15 दिन के अंदर ठीक करना है ठीक है? हाँ जी सर। हर हाल में अच्छा जो मर्जी हो जाए, और खट्टा टच नहीं करेंगे। इसके अंदर क्या क्या आ गया? कड़ी, अचार, आमचूरन, इमली, खट्टा टमाटर, दही, नींबू, संतरा, मौसमी, किन्नू, खट्टी चटनी, आंवला ठीक है। इस टाइप के कुछ भी खट्टा पदार्थ आप बहुत हल्का दूंगा, बिल्कुल टच करूंगा ठीक है। ऐसे हल्का सा टच करने पर भी तो उसमें दर्द है, छोड़ दो बस छोड़ दो, मैं कर दूंगा आप छोड़ दो। इस बार यही दर्द हो रहा है, जैसे ये वाला हाथ तो नीचे दर्द सारे दर्द जाता होगा। हाँ ये हाथ से दर्द हो रहा है। और ये कब से? ये बस अभी मतलब 5 सितंबर अक्टूबर से शुरू हुआ था ये ज्यादा, और कम ज्यादा हो ही रहा है तब से। नाक से सांस लेके मुझसे छोड़िए, अभी छोड़ना मत मुझसे, आप छोड़िए हैं, नाक से लीजिए छोड़िए मुझसे, नाक से लीजिए
छोड़ी हूँ उसे, इसको ऐसा कीजिए सीधा सीधा, अपने आप सीधा कीजिए, मुझे करने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ टच कराऊँ तो यहाँ कितना दर्द है? इस पॉइंट पर भी दर्द है। आपने क्या करना है, इस गोले में, इस वाले गोले में डेली अपने हाथ से, जिसमें आपका नाखून ना हो बिल्कुल भी, ऐसे डेली दबाना है, ठीक है? 60 सेकंड दबा के रखना है। कितने सेकंड? 60। ठीक है, बस यहाँ टच करते ही दर्द है क्या? दबा के दम हो रहा है, समझ गया। छोड़िए, मैंने ऐसे हाथ था वो वीडियो देखी थी आपने। और क्या करना है आपको इसके अलावा? इसके अलावा क्या करना है? तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम और तीनों तरफ आपको ताली मारनी है। क्या करना है? ताली, हर हाल में ताली मारनी है। ओके, ठीक है, थोड़ा आपको इसमें पूरा कोऑपरेट करना पड़ेगा और जान लगानी पड़ेगी और ये परफेक्ट, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, सर्जरी न बता जाएगी, ठीक है। एक बार खड़े हो, पहली ताली कैसे मारेंगी? ऐसे कीजिए, हम आगे मारिए, देखो ऐसे मारो, मारो ऐसे करके, अभी दो चार दिन तो आपको दर्द होगा, उसके बाद में दर्द बिल्कुल खत्म होगा ही नहीं लाइफ में। मारो, क्योंकि आदत पड़ गई, भूल जाएगा। कम से कम 50 बार मारो, ठीक है। अब आप पैसे पैसे नीचे, ठीक है, जाएगा धीरे धीरे, अभी नहीं जाएगा, दो चार दिनों बाद जाएगा। मारो, हल्का हल्का लेके जाओ, अभी जा नहीं रहा ना, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करनी, ऐसे सीधे हो जी, इसको सीधा रखिए, ठीक है, जल्दबाजी नहीं, जबरदस्ती नहीं, दबाव नहीं करना, ठीक है। 5-7 दिन बाद जैसे जैसे ठीक होता जाएगा वैसे वैसे और यहाँ से मारो, यस, ठीक है। अब आप ऊपर मारिए, करिए जितना जा सकता है, जाइए मारिए। ये वाला हाथ क्यों लेके जा रही है? क्या कह रही है? बस बस बस, मतलब टच करते भी दर्द है? हाँ, इसमें कुछ लगता है तो दर्द होता है। ठीक है, मिलाइए आपस में हाथों को, मिलाइए मिलाइए, लगा लीजिए इसके अंदर, टाइट करो, बस ला, हाँ, कमर से सीधी बिल्कुल, पीछे नहीं मुड़नी चाहिए आप, चलिए, कहाँ दर्द है? मैंने कुछ नहीं करना, घर में किसी से करवाना है, लगाइए पावर नीचे, लगाइए, मेरे को ऊपर लगाना जोर, नहीं आप सीधी खड़े रहिए, अब लगाइए ऊपर की तरफ जोर, लगाइए, बस, और ये कंधा आपका परफेक्ट, ठीक है, आइए पूरे रिलैक्स हो जाओ, ताली बजा के लगाओ तीनों तरफ मुझे फटाफट, पहली, एक, फिर पीछे, दो, फिर और यही 15 दिन बाद आप देख लो ना, परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है, बस लेटिए।